तो गाइस स्वागत है तुम्हारे एक फेस्मोफोबिया के ऑफिशियल 4.5 के वर्जन में। हाँ ऑफिशियली ये आ गया है, यानी कि तुम लोग सब कोई डाउनलोड कर सकते हो इसको। अब करने का मैं तुमको दो प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम भाई जान लो काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है इसमें जो कि बहुत लोग फेस कर रहे हैं, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। पहला जो प्रॉब्लम था वो था लैंग्वेज का प्रॉब्लम, अब जो कि फिक्स हो गया है। अब तुमको इंग्लिश देखने को मिल रहा है भाई, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर फिर भी होगा तो नहीं, अगर फिर भी बाय चांस 99.91% अगर होता है तो तुमको कमांड में जाना है, और यहाँ पे देखो ये पहले ही हो गया, स्लैश लिखना है और ये अपना फिक्स हो गया। अब तुम जब भी खरीदते हो सामान तुम्हारा माइनस में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं शॉप में जाऊँ तो सबसे ज़्यादा सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइटर 7 बज गया और कुछ ले सकते, चलो कैंडल भी ले लेते हैं, 3 बज के कुछ लेने लायक नहीं है। अब ये माइनस में नहीं जाएगा और बहुत लोग यहाँ से निकल भी नहीं सकते। देखो यहाँ से मैं निकल सकता हूँ, देख रहे हो ना, डॉलर माइनस में गया ना कुछ हुआ, ये तो तुम्हारे यहाँ तक की काम हो गया। अगला था हिल साइड के मैप में, ठीक है, कहाँ गया टेंगल वुड कैंप साइड किधर गया, ये हिल साइड का जो मैप था इसमें घोस्ट स्पॉन ही नहीं होता है ना, इसमें मतलब घोस्ट स्पॉन ही नहीं होता था, मिरर भी काम नहीं करता था, घोस्ट भी स्पॉन ही नहीं होता था, डर बैठे। ओ आ गया घोस्ट, ये लो, यानी कि ये फिक्स हो गया है, ये मैप अब तुम खेल सकते हो। वैसे घोस्ट होनी है, आई थिंक होनी नहीं है, थे रेवेनेंट कुछ भी हो सकता है। ये देखो मेरे फोटोज भी आ गए इधर। प्रोसेस है, एक तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा उसमें तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो, दूसरा लिंक मैं दूंगा डिस्कॉर्ड का, ठीक है। लेकिन डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो 24 आवर्स तक वैलिड रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो तुमको कमेंट में लिखना है डिस्कॉर्ड लिंक, और मैं तुमको कमेंट में तुमको डिस्कॉर्ड लिंक दे दूंगा। और मेरे डिस्कॉर्ड में एक सेक्शन बना है जिसको हम बोलते हैं लेटेस्ट फेस्मोफोबिया, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा उस मीडिया फायर को इसको, और तुमको वो मिल जाएगा और आराम से तुम इजीली उसको खेल सकते हो। बाकी टेलीग्राम में तुमको मिल ही जाएगा। आई होप वीडियो तुमको समझ में आएगा, तुम्हारा हेल्पफुल। अगर कोई भी अभी भी तुम्हारा कोई सवाल है तो मेरे को तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि ये हमारा सवाल है भाई, कैसे हल करें।